बेबी प्रियंका है इनका नाच देखे खाती आठ आठ कोस लोग पैदल जात रहे बलिया के है दिसला लौंडिया है बेबी प्रियंका नाम एक जानी के छोड़ नहीं हूँ पिंकी रही तब प्रियंका के लिए ही में हाड़े मसना जतना कुल पैंट पहन के खेल होली सब फुल पैंट सब मौगा खेल है असली खेम हाफ निकल पहला लंगोटा जंगिया पहला फुल पैंट पहन के खेल होले हम खेलते नहीं मरला पतारा स्पिलर दर्द फट जाता फुटबॉलर वॉलीबॉलर रेसलर लॉन्ग जंप हाई जंप वो खेल है सके अब तो लूडो गेम कौन 90 मिनट के ना तो 60 मिनट का होला होला जे 6 घंटा जब गेम खेले जाले वो गेम ना हो उजुआ हो कौन से भजन का के हीरो बन पड़े मनोज तिवारी भजन का के हीरो बनल पड़े कौन से खिलाड़ी खा घर रहे नौ कैंटल ललीपॉप वाला चुसले रहे के हरि महाराज कहाँ रे बा के आधा युग में चौपट राजा अब जे भी भोजपुरी के अश्लीलता से बचावल चाहता चैनलों पर कर देना तो यार व्यूअर बढ़ लेके तरह के पैसा मिल गया हम भी बात कर देते हैं मेरे नंबर के वो व्यूअर बहुत बड़े थे जीवन माता ना कौन है निमन बोलो नहीं तो ना अच्छा सुपरी होने वाले वो व्यूअर बहुत बड़े जो कर पूछो हम अच्छा राम राम जापान तो कर दूंगा कि नहीं तो ये बेबी प्रियंका है इनका नाच देखे खाती आठ आठ कोस लोग पैदल जात रहे बलिया के है दिसला लौंडिया है बेबी प्रियंका नाम एक जानी के छोड़ नहीं हूँ पिंकी रही तब प्रियंका के लिए ही में हाड़े मसना भैया हमारा बक्सर जिला तो 12:01 बजते बजते प्रोग्राम खत्म हो गया इसलिए उसमें तो उतरना हम लोग को अनिवार्य है क्योंकि पापी पेट का सवाल है अगर हम प्रोग्राम नहीं जमेगा श्रोता भाग जाएंगे शाम को ही तो हमारी विदाई देगा कौन चले कमलबाज कुंवर साहब है यानी ये कहना था कि आम लिख के टांग दें इधर झांकना मना है तो अवश्य लोग झांक कर जाएंगे ये कह दें कि अश्लीलता मिटाना है तो हमको लगता है कि और इसके प्रति लोग झुकाव रखते हैं क्या ये कहना है ना जी जी क्या बात सही है जी अश्लीलता को समाप्त करना ही नहीं है साफ कह दे जितना अश्लील हो
देखिए अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हो जाएगी तो खुद ही लोग की चेतना जगेगी, खुद ही छोड़ देंगे। आप तो कौन सा विद्वान लग रहे हैं पढ़े लिखे, कितना पढ़े लिखे हुई है? हम क्या 11वीं 12वीं तक पढ़े हुए हैं, उस समय मैट्रिक था 11 क्लास। उस समय क्या खिचड़ी बनता था स्कूल? ना ना ना, वो हम लोग कहाँ देखते हैं, कहाँ बैठते थे? भुइयां जमीन पर चट बिछा भुइयां बैठते थे आप? वो सुखार पड़ गई थी तो पाउडर वाला दूध आया था, और पाउडर के दूध में गेहूं मिला करके भात कभी कभी उस सुखार के समय में 1 साल मिला था, वो हम लोग को याद है। आज जो सरकार खिचड़ी दे रही है, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, वो खिचड़ी खाने में ही समय बीत जाता है। कहां सरकारी स्कूल में कौन लड़का पढ़ करके दरोगा सिपाही हुआ है? देखिए सरकारी स्कूल केवल बनाया गया है कमाने के लिए, 2-4 10 शिक्षक उनका तनख्वाह बना रहे, अनाज बेचने वाले अपन बेचते होंगे, खिचड़ी पकाने वाले, ये सब व्यवस्था है सरकारी स्कूल में पढ़ाई का। हम चाहेंगे कि बड़े ही अरमान से आप लोग देखते हैं टीवी पर, वो सब ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आप बड़े कलाकार हैं, बिना साजबाज के सुर निकलती नहीं है, लेकिन ये भी बता चले कि यह माँ सरस्वती का दिन है, हर के गले में सरस्वती निवास नहीं कर पाती हैं, लेकिन बड़े स्वभाव है सौभाग्य है कि आपके जिससे कलाकारों से बातचीत करने का मौका मिल रही है। हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे लाखों दर्शक हैं, दो शब्द आपके मुखारविंद से वो चीज सुने जो कभी हिट हुए हों, या जनता जो आपको, आप दिखाएं कैमरा मैन से इधर, जितनी जनता सिर्फ आपको सुनने के लिए यहाँ बेताब है, लग रहा है कि दीवार तोड़कर लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, तो कमल बाज साहब आप हैं, हम चाहेंगे कि दो शब्द आप प्यार से गुनगुना दें तो सुनने वाले निहाल हो जाएंगे, दो शब्द क्या दें? मेरा तो कोई गीते हिट नहीं हुआ, मेरा शरीर ही हिट है 40 साल से। शरीर ही हिट है? कैसे? हाँ, मैं कोई गाना जानता नहीं कि मेरा कौन सा गाना हिट हुआ, जो भी गाता हूँ उसको लोग लाइक करते हैं, तो उसमें हमें पता ही नहीं लगा कि मेरा कौन सा गीत हिट हुआ। वैसे एक सामयिक एक सामाजिक गीत है कि हाय रे दैबा, हाय रे दैबा, कि सोनवा के देश रे कहाँ गईले गीता गांधी जी के उपदेश रे। पहले के लोग पढ़े आवे नालंदा, पहले के लोग पढ़े आवे नालंदा, अब एकर बुधिया काहे हो गईल मंदा, अब तो लोग वह डिग्री पावे जात बा विदेश रे, हाय रे दैबा ई सोनवा के देश रे। यही देशवा के रहले वो बुढ़ऊ गांधी, सत्य अहिंसा के चलौले रहले आंधी, अब त नेता घुस लेता रे बनके लंकेश रे, हाय रे दैबा ई सोनवा के देश। क्या बात बताइए, ये भारत सोना की चिड़ई का हाथ रहे, आज आजो बे आज भी भारत हमार महान बा, और देश से बहुत महान बा, एजा घर घर में अनाज वितरण हो रहा बा, कौना देश में घर घर फ्री में अनाज मिले। एक चीज बताए सर, आप तो बहुत बड़े कलाकार बने, और स्टूडेंट लाइफ में कभी आपने गर्लफ्रेंड किसी को बनाया नहीं? नहीं जानते हैं, पर हमारे समय में स्कूल में लड़कियां पढ़ती ही नहीं, और पढ़ने में शिकायत समझा जाता था, उस समय लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता। तो आपने होल लाइफ किसी को अपने जीवन में नहीं, नहीं हमारे 14 साल में शादी हो गया तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बने? आपने गर्लफ्रेंड नहीं बने? अच्छा, 14 साल की उम्र में शादी हो गई, गर्लफ्रेंड बनाने का मौका ही नहीं मिला। कैसे बनाया जाता, गरीबी में दिन गुजरता था, अपना कमाने खाने की लायक हुए तो शहरों में गए, तो शहर में मतलब हम बिहार के हैं, दिल्ली गए, कोलकाता गए, तो वहाँ गर्लफ्रेंड हम पर हम लेबर और वर्कर के काम करने वाले के साथ कौन गर्लफ्रेंड बनाए? नहीं, आप अच्छे लगते हैं सर, जब गाना गाते हैं सर पर लगता है कि हाँ युवाओं के दिलों पर आप राज करने जैसा लग रहे हैं। वो तो अभी तक लोग मुझे चाहते हैं, तभी तो मैं आज भी हूँ, और तो मेरी उम्र के सभी कलाकार तो थोड़े बैठ गए, थोड़े मर भी गए। अपने रेट में कदम सर कैसे रखे? वो तो 2001 में जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, खिलाता भी था, गाड़ी का भाड़ा देकर लड़कों को पूरे जिले का एक टीम बनाए, पूरे जिले से चुन चुन करके। वो सब आपने आप फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपकी पत्नी मैं अपने लड़कों को आई बी ए करा करके घर पर बैठाया हूँ, एक ठेकेदार आई बी ए करा कर घर पर बैठा जी, क्योंकि प्राइवेट संस्था में नौकरी कर रहा, तो
हम लोगों के लिए ठीक नहीं। हम लोग युवाओं को जो युवा कलाकार हैं चाह रहे हैं कि हम भी कमलबास बने, उन लोगों को किस तरह का नसीहत, किस तरह का संदेश देंगे आप? वो अच्छे तानसुर हारमोनियम लेकर के घर बैठे बंद कमरा में हारमोनियम पर आयु सारे कम इसका रियाज प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद ही जाएंगे किसी ऑडियो वीडियो चैनल में तो उनकी स्वर देख करके ही लोगों के लाइक करने लगे। एक बाइक वो लोग चले जाते हैं हाथ में माइक पकड़ते हैं, हारमोनियम का स्वर का ज्ञान नहीं। तो देखिए हारमोनियम लेकर के बंद कमरे में अकेला जोर जोर से चिल्लाओ स्वर का नापी हो जाएगा तभी गायक बनोगे। किसी समाज में जाकर आप 10 मित्रों के साथ बैठ करके